सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना करें। What's up guys, it's Fahad back with another video। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इसका माइक नीचे इसका इस माइक का हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे को मेरे माइक के बारे में पूछा है कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ और बहुत लोगों ने बोला है कि इसके बारे में रिव्यू बनाने के लिए। सो आज मैं रिव्यू वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसकी और अमेज़ॉन पे भी सेल चल रही है तो ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है। सो अभी बनाना बेस्ट था इस वीडियो। सो जो लोगों को नहीं पता है कि ये कौन सा माइक है तो ये माइक का नाम है ब्लू स्नोबॉल आइस। ये माइक का नाम है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लू स्नोबॉल और ब्लू स्नोबॉल आइस के बीच में। ये दोनों अलग अलग वेरिएंट्स है, एक ब्लू स्नोबॉल है और एक ब्लू स्नोबॉल आइस है। तो मेरे पास जो है वो है ब्लू स्नोबॉल आइस। अब आप सोचोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्लू स्नोबॉल है जो स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको इससे ज़्यादा मोड्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ कार्डियोइड मोड मिलता है, यानी कि जो आवाज़ सामने से आ रही होगी वही रिकॉर्ड होगी। यानी मैं माइक के अभी सामने से बोल रहा हूँ तो वही आवाज़ रिकॉर्ड होगी। अभी ये साइड से ऐसी ऐसी आवाज़ आएगी तो वो इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, वो उसके अंदर नहीं होगी। और जो ब्लू स्नोबॉल है जो स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ओमनी डायरेक्शनल मोड भी है। यानी आप कहीं और से आपको ऐसी कोई रिकॉर्डिंग करनी हो जहाँ पे आपको सारी डायरेक्शन से आवाज़ जो आ रही होगी वो आपको अच्छे से रिकॉर्ड करनी होगी तो उसके अंदर वो मोड भी है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। जो सिंपल वाला है ब्लू स्नोबॉल यानी जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो थोड़ा महंगा है इससे, और ये ब्लू स्नोबॉल आइस जो है वो उससे थोड़ा सस्ता है क्योंकि इसके अंदर एक ही मोड है। तो ये माइक मेरे पास एक साल से है, एक साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था, यानी मैं इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ। सो एक साल के यूज़ में मेरा इसके साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है और मेरे को इसके बारे में जो लगता है एक साल यूज़ करने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो ये ब्लू स्नोबॉल आइस कंडेंसर माइक्रोफोन ये एक USB माइक्रोफोन है, यानी कि प्लग एंड प्ले डायरेक्टली, आपको कुछ ड्राइवर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई अलग से आपको पावर की आउटपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको आपके कंप्यूटर में USB केबल लगानी है और डायरेक्ट माइक के अंदर लगाना है और बस आपका काम हो गया। कोई ड्राइवर वगैरह की ज़रूरत नहीं है और अलग से कोई पावर की सोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला फीचर है। तो ये इस माइक की बहुत ही एक अच्छी बात है और इस माइक की बहुत सालों से एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा माना जाता है इसको सिंगिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है कि जब आप कोई चैनल शुरू करने जा रहे हो तो आपको एक डिसेंट क्वालिटी चाहिए, मतलब एक प्रोफेशनल टाइप की क्वालिटी चाहिए ऑडियो की, तो उसके लिए ये माइक बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सालों से इसकी प्राइस के हिसाब से आप अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग के प्रोफेशनल माइक्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा माइक है। एक स्टार्टिंग अगर एज अ बिगिनर आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, यानी सिंगिंग वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह आप कुछ करने जा रहे हो या यूट्यूब वीडियोस, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करता है और उसके लिए बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है। इसका बॉक्स में आपको, मेरे पास इसका बॉक्स नहीं है क्योंकि मैंने एक साल पहले ख़रीदा था, वरना मैं आपको अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देता इसकी। तो इसके बॉक्स में आपको माइक मिल जाता है ये, और उसके साथ एक स्टैंड मिल जाता है और ओनर मैनुअल मिल जाती है और एक USB केबल आपको इस माइक के साथ में मिल जाती है। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है और अंदर जो मेटल यूज़ किया गया है वो भी बहुत अच्छा मेटल यूज़ किया गया है इसके अंदर। मैं इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और जैसा स्टार्ट में था अभी भी ये वैसा ही दिखता है, जैसा मैंने एक साल पहले ख़रीदा था अभी भी ये वैसा ही दिखता है, ना कि इसका पेंट निकला है ना कुछ निकला है। तो यानी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत मज़बूत भी है। एक बार मेरे हाथ से गिर भी चुका है ये बहुत बार, अच्छी खासी हाइट से कम 37 इंचेस से आप बोल सकते हो कि मेरे हाथ से एक दो बार ये नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी इसको कुछ हुआ नहीं है और जैसे ये स्टार्ट में चलता था अब तक ये वैसा ही चल रहा है। सो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा माइक है और इसके साथ आपको जो USB केबल मिलती है उसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। वो बहुत ही मोटी वायर है, अच्छी खासी, ऐसी टूटेगी वगैरह नहीं, एकदम मज़बूत वायर है और बहुत लंबी वायर आपको मिल जाती है, जितना कि आपको शायद से हर एक डिस्टेंस के लिए बस हो ही जाएगी। हर एक डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर दूर जाके बैठोगे तो नहीं, मतलब नॉर्मली आपके डेस्कटॉप वगैरह से आपकी जितनी भी हाइट हो उसके हिसाब से आपको ये बस हो ही जाएगी वायर, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और माइक के साथ आपको जो स्टैंड मिल जाता है वो स्टैंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है और यहाँ नीचे मेटल यूज़ किया गया है और यहाँ नीचे रबर दिया गया है ताकि वो जब आप उसको रखो तो स्लिप ना हो यहाँ वहाँ आपके डेस्क वगैरह पे, यहाँ वहाँ स्लिप ना हो। तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये माइक बहुत ही अच्छा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छे से बनाई गई है, इसके प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये तो बात हो गई बिल्ड क्वालिटी की, अब मेन बात कर लेते हैं यानी रिकॉर्डिंग की, इससे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसे मिलती है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है।
तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी एकदम अच्छी है, इससे जो साउंड रिकॉर्ड होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत ही अच्छा साउंड रिकॉर्ड कर लेता है ये। सो जो भी चीज़ के लिए आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी हो, सिंगिंग के लिए या फिर पॉडकास्ट के लिए, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, जो भी चीज़ के लिए आप वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर रहे हो इससे, सो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। या आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी रिकॉर्ड करने हो तो वो भी आप कर सकते हो इससे, अगर आप सिंगर वगैरह या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं लोग, क्या बोलते हैं लोगों को मैं भूल गया। सो अभी आपके पास क्वेश्चन होगा कि ये कितना बैकग्राउंड नॉइज़ कैच करता है उस बारे में। सो बैकग्राउंड नॉइज़ के बारे में बोलूँ तो एकदम डिसेंट अमाउंट है इसका, मतलब इतनी भी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं कैच करता है, लेकिन करता है बैकग्राउंड नॉइज़ ये कैच करता है। आप मेरी वीडियोस देखते होगे, अब मैं अपनी वीडियोस में दोनों फ़ैन चालू करके रखता हूँ और वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे बंद करके रखूँगा तो और अच्छा मेरे को क्वालिटी मिलेगा, बट गर्मी होती है यार, इतनी गर्मी में कैसे वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। सो अगर आपको इस माइक से सबसे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली साउंड आपको इससे रिकॉर्ड करनी है, तो जितना हो सके उतना बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करने का ट्राई करो, आपके घर की विंडोज़ वगैरह को बंद कर दो, जितना हो सके उतना आइसोलेट करने की कोशिश करो, तो आपको एकदम बेस्ट साउंड मिलेगी। हाँ, आप एडिट कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको आप एडिट कर सकते हो, बट आप जितना कम करोगे उतना आपको अच्छा साउंड मिलेगा। सो एडिटिंग पे इतना डिपेंडेंट मत रहो, मैं आपको वीडियो के एंड में सुनाता हूँ एक एडिटेड और एक विदाउट एडिटेड, ये फैंस वगैरह ऑफ कर। और साउंड आपके सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जैसे कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग के लिए, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों हो रही है, जिससे उसके लिए जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है साइबरलिंक यू कैम, तो इससे ऑडियो इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, यानी जो आप ऑडियो सुन रहे हो अभी, तो ऑडियो को ये इतनी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करता है, मतलब जो कैपेबिलिटी है इस माइक की वो पूरी तरीके से इस सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं हो पाता। अब इसके ऑडियो एनकोडर में वगैरह में होगा कुछ प्रॉब्लम वगैरह, सो आपके सॉफ्टवेयर पर भी डिपेंड करता है, आप अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे सो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, यानी जो आपका माइक का फुल कैपेबिलिटी है, वो फुल पोटेंशियल है, आप वो यूज़ कर पाओगे। लेकिन इस माइक में आपको नज़दीक रहकर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, माइक के क्लोज में रहना पड़ेगा, वरना वॉल्यूम बहुत ही लो आएगी, अगर थोड़ा भी दूर हो जाएगा ज़्यादा तो वॉल्यूम बहुत लो हो जाएगी। अब नज़दीक रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना अंदर घुस जाना है उसके अंदर, मतलब एक अच्छा डिस्टेंस पर रहना है, जैसे अभी जितने डिस्टेंस में मैं हूँ इतने डिस्टेंस तक के ठीक है, या फिर थोड़ा इतना इतना भी रहेगा, समझ लो यहाँ तक यहाँ इतना भी डिस्टेंस रहेगा तो भी चल जाता है, इससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस हो रहा होगा तो अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, यानी आप जितना नज़दीक हो गए तो उतनी अच्छी आपको इसमें क्वालिटी मिलती है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और इसके साथ जो आपको स्टैंड मिलता है ये वाला, सो इसमें अगर आप लगा दोगे और अगर आप डेस्क पे रखते हो, अगर आपका डेस्क ऐसा है जिससे आपका फेस आपके डेस्क के क्लोज़ में रहता है, मतलब माइक के क्लोज़ में आ जाएगा, तो फिर आपका ये स्टैंड से काम चल जाएगा, वरना आपको ऐसे एक बूम आर्म खरीदना पड़ेगा जो मैंने ख़रीदा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी बूम आर्म है, एकदम फ्लेक्सिबल है जैसा कि आप देख सकते हो, एकदम अच्छे से एक्सटेंड वगैरह होती है, बहुत अच्छी लेंथ वगैरह है, इसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है, ये भी मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक ये बहुत अच्छी चल रही है, ये ब्लू स्नोबॉल का वजन भी अच्छे से संभाल लेती है और बहुत ही अच्छे से टाइट रहती है। सो या और भी आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये एक चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक फ़िल्टर, ये पॉप फ़िल्टर, तो ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया है। इससे क्या होता है, जो भी आपके अजीब से साउंड्स होते हैं या एयर जो आ रही है उसको ब्लॉक कर देता है, जैसे समझ लो दिस आपने ऐसा बोला तो एक हवा आपके मुंह से निकली तो वो सबको ब्लॉक कर देता है, यानी आपकी प्रोनाउंसिएशन से जो भी हवा वगैरह निकलती है और जो भी हवा और आ रही है उसको अच्छे से ब्लॉक कर देता है, फ़िल्टर कर देता है, तो आपकी वॉइस की क्वालिटी में और एनहांसमेंट होती है। तो मैंने जब ये माइक ख़रीदा था तब मुझे कुछ 6,000 और ऊपर थोड़े 100 रुपये देने पड़े थे, तो उतने का ये माइक था। और अभी आप अगर ये ख़रीदने जाओगे तो इसकी प्राइस कम हो चुकी है, 4,000-4,500 तक के आपको मिल जाता है, अभी इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो 4,000-4,500 तक के आपको मिल जाता है, यानी इसकी प्राइस गिर चुकी है और ये प्राइस भी अच्छी है। लेकिन अभी अगर आप ख़रीदोगे, यानी जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ जब तक अमेज़ॉन की सेल चल रही है, तो आपको कुछ मिल जाएगा 3,800 के अराउंड मिल जाएगा, हाँ 3,899 में आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी प्राइस है। अगर अभी आप ख़रीद लेते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके ख़रीद सकते हो तो आपको इस अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, तो अभी भी आप इसको ख़रीद सकते हो। अगर आप इसके बाद देख रहे हो कभी तो 4,500 भी अच्छी प्राइस है, लेकिन अगर अभी आप ख़रीद लोगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपके पैसे थोड़े बच जाएंगे। सो मेरे हिसाब से ये माइक बहुत ही अच्छा है, प्राइस को वर्थ करता है, अगर आपका लो बजट है तो ये माइक आपके लिए एकदम बेस्ट है, जो भी आपको करना है सिंगिंग वगैरह यूट्यूब वीडियोस बनानी है तो उसके लिए ये माइक बेस्ट है। सो ये था मेरा रिव्यू इस माइक का, अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। And I like the trees. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat.